मतलब बहुत सारी सिटीज़ में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि डियो नहीं अवेलेबल है शोरूम में। डियो ना बहुत सारे लोगों के लिए नहीं बनी है यार, और बहुत सारे लोगों के लिए बनी भी है, तो मेरे हिसाब से डियो पे मत जाना यार। ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम सुबह के 10:05, और आज की जो वीडियो है वो होगी हमारे होंडा डियो के ऊपर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होंडा डियो सबके लिए है या नहीं है, सबके लिए है या नहीं है इन द सेंस कि हर किसी एज ग्रुप के लिए है या नहीं है, और क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस वगैरह जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो अभी मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग पे। सो देखो गाइस, अभी मैं आ चुका अपनी स्कूटी पे, और यहां की रोड चेकआउट करो यार आप पहले, कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है यार, कितनी ज़्यादा मस्त। जब यहाँ वो होती है ना थोड़ा छाया छाया, थोड़ा धूप धूप टाइप, कितनी मस्त सी लगती है। आगे तक देखो यार, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यार, हाय मतलब दिल आ जाता है। यहाँ पे एक मंदिर भी है जय बाला सुंदरी मैया की, भाई इतनी मस्त सी रोड है ना यहाँ पे, एकदम मस्त सी यार। यहाँ पे तो ऐसा दिल करता है कि आराम आराम से गाड़ी चलाए, और हवा इतनी प्यारी लगती है ना यहाँ पे ठंडी ठंडी, मतलब एकदम मज़ा ही आ जाता है यार। और आज की जो वीडियो का टॉपिक था कि होंडा डियो सबके लिए है या नहीं है, मैंने ऐसा क्यों कहा और मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब मैं अपनी गाड़ी की परसों सर्विसिंग कराने गया था शोरूम में, तो वहाँ ना मेरी डियो के अलावा बस एक और डियो थी, बाकी वहाँ सहारी, एक्टिवा, एविएटर, एक्टिवा 125, मतलब डियो तो मतलब बस एक या दो, मतलब गिनी चुनी डियो थी वहाँ। और जब मैं रोड पर भी चलता हूँ ना, तो मुझे मतलब डियो दिखती ही नहीं है यार, और मतलब मुझे खुद से भी लगता है कि कई सारे लोगों को डियो पसंद नहीं आती है। ये देखो, ये आगे देखो एक्टिवा 125, तो मतलब ना डियो ना के बराबर ही दिखेंगे आपको रोड पे भी, चाहे वो यहाँ की बात हो चाहे कहीं और की बात हो। ये दोनों क्या कर रहे हैं इधर, ये दोनों मतलब बंदर क्या कर रहे हैं उस गड्ढे के अंदर, अच्छा पानी पी रहे हैं आई थिंक। वही हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे हिसाब से ना डियो ना बहुत सारे लोगों के लिए नहीं बनी है यार, और बहुत सारे लोगों के लिए बनी भी है, और किन किन लोगों के लिए नहीं बनी है और किन किन लोगों के लिए बनी है वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डियो किन किन लोगों के लिए नहीं बनी है। आपने भी रोड पे या फिर आपने घर में, यहाँ पे आपका कोई पेरेंट्स वगैरह जब भी कोई स्कूटी वगैरह लेने जाता है, तो आपने खुद से देखा होगा कि वो डियो वगैरह को कभी भी प्रेफर नहीं करता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक्स, क्योंकि इसके जो लुक्स वगैरह है ना वो थोड़ा स्पोर्टी वगैरह है, और जो फैमिली वगैरह, जो फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग वगैरह रहते हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि डियो का है स्पोर्टी लुक, और स्पोर्टी लुक देख के जो पेरेंट्स वगैरह रहते हैं उन्हें लगता है कि ये डियो बहुत तेज़ भागती होगी, ये बहुत तेज़ स्पीड में चलती है ये वाली स्कूटी, इसलिए ना बहुत कम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। और जो बड़े लोग रहते हैं या जो पेरेंट्स वगैरह रहते हैं वो प्रेफर करते एकदम क्लासिक स्कूटर टाइप की, एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125, मतलब बस होंडा की बात नहीं कर रहा, या फिर और दूसरी स्कूटर जो रहती है, जुपिटर हो गई या फिर प्लेजर हो गई, बस वो ऐसी ऐसी स्कूटी प्रेफर करते हैं। और जबकि जो डियो का प्राइस है वो एक्टिवा से थोड़ा सा सस्ता है, मतलब 4-5 हज़ार सस्ता मिल जाता है, माइलेज भी अच्छा मिल जाता है डियो में, फिर भी जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो डियो पे नहीं जाते हैं यार, क्योंकि वही इसके लुक्स एकदम वो है ना स्पोर्टी लुक टाइप के। और आप कहीं भी देख लेना, जो अंकल लोग चलाएंगे, जो आंटी लोग चलाएंगे, उनके पास आपको हमेशा एक्टिवा या फिर कोई दूसरी स्कूटी, मतलब डियो और एंटोर्क ना बहुत कम ही दिखेंगी जिनका स्पोर्टी लुक होता है, बहुत ना के बराबर दिखेंगे यार। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं अपनी डियो लेने गया था, नहीं तो मेरे साथ एक अंकल भी गए थे, मतलब कोई और अंकल थे वो, तो शोरूम वाले ने उन्हें डियो भी दिखाई अंकल के बजट के हिसाब से, मतलब 90,000 के अंडर, तो डियो दिखाई, तो अंकल ने बोला कि ये स्कूटी तो काफ़ी तेज़ भागती होगी, या फिर ये स्कूटी कितनी सीसी की है, थोड़ा महंगी तो नहीं होगी, तो शोरूम वालों ने कहा कि नहीं ये स्कूटी बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद एट द एंड अंकल एक्टिवा पे ही गए, एक्टिवा 125 ली अंकल ने, थोड़ा पैसे अंकल ने ज़्यादा ही दिए, पर डियो पे नहीं गए थे अंकल। तो बस यही बात होती है। और जो डियो है ना वो मेनली यंग जनरेशन को देख के बनाई है, मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, तो मेनली उनको देख के बनाई। ओ भाई ये थार देखो, ओ भाई इसके अलॉय देखो कितने भार आ रहे भाई, ओ भाई जी 900 जा रही बगल पे से, ओबे क्या मस्त लग रही थी यार। ये जो सुपर बाइक सुपर कार वगैरह रहती है ना, ये एक एक दो दो सेकंड के लिए दिखती है यार, थोड़ा सा कभी ऐसे अच्छे से नहीं आ रहा मैंने। हाँ BMW 1250 को नहीं आ रहा था एक बार, एक जगह पे पार्क हुई थी भाई, एकदम मस्त लग रही थी एकदम मस्त। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो जो डियो है ना वो मेनली स्टूडेंट को देख के बनाई गई है यार। और जैसे आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ स्कूटी लेने जाते हो, और अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ स्कूटी वगैरह चलाते हैं, आपकी मम्मी चलाती है, आपके पापा चलाते हैं, तो वो डियो पे तो नहीं जाएंगे यार, क्योंकि ना वही उन्हें थोड़ा अजीब सी लगती है। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो फैमिली में सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, तो वो एक्टिवा
या फिर जुपिटर या फिर कोई और स्कूटी एक्सेस वगैरह चलाते हैं, मतलब डीओ पे तो जाते ही नहीं है। और डीओ पे बस वो लोग जाते हैं जिन्हें घर में गाड़ी बात खुद से चलाने होती है, जैसे मतलब मुझे चलानी होती है, मेरे फैमिली में मतलब कोई भी नहीं चलाता। तो मतलब अगर मैं भी अपने फैमिली के लिए लेता तो फिर मैं भी एक्टिवा पे ही जाता यार, मैं भी मतलब डीओ का जो प्लान है ना वो ड्रॉप आउट कर देता यार, क्योंकि वही है ना फिर फैमिली वालों पे स्पोर्टी लुक वाली जो गाड़ी होती है वो अच्छी नहीं लगती यार, उन पे मतलब क्लासिक गाड़ी हो मतलब तो भी ठीक लगती है। अगर कभी कोई स्कूटी सिंपल लुक्स में भी होगी बट उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह होंगे ना, तो फिर भी उसको पेरेंट्स वगैरह किसी के नहीं लेने वाले यार। और आप, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है और आपने भी खुद से देखा होगा। ये देखो मैस्ट्रो प्लेजर मतलब डीए, देखो एक्टिवा, ये एविएटर है सॉरी। तो मतलब भाई डीओ तो दिखती नहीं है यार रोड पे, बहुत ज़्यादा कम दिखती है, बहुत ज़्यादा ना के बराबर। और अगर आपको कोई स्कूटी लेनी है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए, या फिर आपकी फैमिली कोई और भी चलाते हैं, आपकी मम्मी चलाती है, तो मेरे हिसाब से डीओ पे मत जाना यार। सच में उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली डीओ, क्योंकि इसके लुक्स के हिसाब से उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद आप जा सकते हो एक्टिवा पे जा सकते हो, या फिर कोई और दूसरे ब्रांड की भी, मतलब टीवीएस की ले सकते हो या फिर सुजुकी की ले सकते हो, अलग अलग ब्रांड की ले सकते हो, पर डीओ और एंटॉर्क वगैरह पे तो मत जाना यार। और अगर आपको डीओ कॉलेज जाने के लिए चाहिए या स्कूल जाने के लिए चाहिए तो मतलब मस्ट है कि इसे लेना ही लेना, इतने अच्छे बजट में, इतने अच्छे माइलेज के साथ, इतने अच्छे लुक्स के साथ कोई और स्कूटी आपको देखने को नहीं मिलेगी यार डीओ के अलावा। और अभी मेरी स्कूटी ने क्रॉस कर दिया 8,000+ किलोमीटर्स, तो अभी मैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू डालूंगा 8,000+ किलोमीटर के बाद। और 1.5 साल भी हो गए हैं तो मैंने काफ़ी टाइम से रिव्यू नहीं डाला है, तो एक रिव्यू भी डाल दूंगा। सो मेरा कैसा रिव्यू है डीओ के लेके, डीओ में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई 1.5 साल में, तो वो मैं सारा आपको एक अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ आपको अच्छे से समझा दूंगा। एक्टिवा, ये डीओ क्यों नहीं दिखती है यार। और ना डीओ लेने का ये भी फायदा है, सच में यार रोड पे ना बहुत कम डीओ चलते हैं, मतलब बहुत ना के बराबर डीओ चलती है रोड पे, गिनी चुनी दिखेंगी। तो एक इसका रोड प्रेजेंस भी ना थोड़ा बहुत ठीक है, जब मैं पहले डीओ को लाया था ना, एक तो इसका कलर भी अलग सा है, येलो डीजल और ब्लैक कलर का, तो काफ़ी शाइनी सा कलर है। तो जब मैं पहले इसे रोड पे लेके गया था ना जब, तो भाई बहुत सारे लोगों ने सच में पूछा था कि ये कौन सी स्कूटी है, फिर मैंने उन्हें डीओ बताया तो उन्होंने बोला है डीओ अब ऐसा चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारे चेंज हो गए ना इसमें, जैसे उन्होंने एक दो ग्राफिक्स में चेंज किए थे। बट जो अब नई डीओ आई है ना 2023 का मॉडल, ये मेरा 2021 का लास्ट मॉडल है नवंबर का, बट जो 2023 का न्यू मॉडल आया था ना डीओ का, इतना बेकार था, इतना बेकार सच में यार, बहुत गंदा, मुझे 1% भी पसंद नहीं है यार वो, इतने बेकार ग्राफिक्स लगा दिए उन्होंने। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये भी पूछते हैं कि डीओ अब नहीं आ रही है, और जब मैं परसों सर्विस सेंटर गया था ना तो वहाँ भी एक भी डीओ नहीं थी यार, नहीं। अरे रे रे, हे भगवान, ये देखो ना क्या बताए, इतना पॉल्यूशन। तो जब मैं वहाँ गया था सर्विस सेंटर तो वहाँ एक भी डीओ नहीं थी, वहाँ बस एक्टिवा वगैरह थी यार। तो मैं शोरूम वालों से पूछना भी भूल गया कि डीओ वगैरह क्यों नहीं आ रही है। और ऐसा नहीं है कि बस मेरी सिटी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बहुत सारी सिटीज़ में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि डीओ नहीं अवेलेबल है शोरूम में। अभी इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, मेरा तो मन कर रहा है कहीं पर गोला वाले भैया दिख जाए तो भाई फटक से दो गोले झपट लूँगा यार, अगर दिख जाए ना कसम से दिन बन जाएगा मेरा, मज़ा आ जाएगी गोले खा के। इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, सच में व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता यार इतनी गर्मी में। तभी जब मैं, ओहो हो, ये देखो डीओ, कितने टाइम बाद डीओ दिख रही है यार, इतने उस टाइम से मैं राइड कर रहा हूँ, पहली डीओ दिखी, ये तो BS4 है यार। और जब BS4 डीओ रहती थी ना तो वो थोड़ा सा बल्की थी यार, एक मैंने रिव्यू भी किया था यहाँ पे BS4 और BS6 का, और ये ना थोड़ा सा पतली बना दी है इन्होंने, बट इसकी जो सीट हाइट वगैरह है वो अभी थोड़ा ठीक कर दिया इन्होंने। मेरे यहाँ बगल पे ना एक टी बगान है भाई, इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा, कसम से मैं आपको कैसे दिखाऊं यार। मेरा मन तो करता है यहाँ अंदर जाने का, बट आई थिंक यहाँ कोई परमिशन वगैरह लगती होगी, मतलब ऐसे हर कोई तो नहीं जा सकता होगा यार यहाँ, इतना प्यारा, जैसे केरला के मुन्नार में है ना, सेम ऐसे लगता है, अरे सेम, मतलब बहुत मस्त है और बहुत बड़ा है। इन दोनों को देखो, इन दोनों के लक्षण देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे चिपका चिपका के जा रहे हैं भाई, क्या ही बताएं। ये वाली रोड इतनी पतली है ना, इस वाली रोड पे बस एक टाइम पे एक गाड़ी, एक फोर व्हीलर और एक टू व्हीलर ही जा सकता है भाई, वरना अगर दो फोर व्हीलर आए यहाँ पे एक साथ तो एक को तो यहाँ रोड से साइड में जाना ही पड़ता है यार। अभी मैंने यहीं से गाड़ी मोड़ ली यार, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, और यहाँ से सीधा घर जाते हैं, खाना खाएंगे आराम से, नींबू पानी पियेंगे और एकदम एडिट कर लेंगे यार, सोना तो कहाँ ही से है, काम बहुत रहता है यार आजकल, बहुत ज़्यादा आजकल मेरा इतना बिजी शेड्यूल हो रखा है ना, मतलब पहले व्लॉग एडिट करो फिर थंबनेल बनाओ, मतलब बहुत बिजी हो रखा है, क्योंकि मैं ना ऐसा कर रहा हूँ आजकल। और मैंने अभी अपना खुद से बनाया है कि मैं हर 2 या 3 दिन में व्लॉग डालूंगा ही डालूंगा, तो इसलिए ना जो शेड्यूल होता है वो बहुत बिजी हो गया है, थंबनेल बनाने में टाइम लग जाता है, व्लॉग अपलोड करने में टाइम लग जाता है।
सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुची।